जय हिंद नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसीएन भारत न्यूज। खबर जनपद मिर्जापुर के लालगंज से 175 मामले आए सामने, 13 का हुआ निस्तारण। गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। मुख्य विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी बीएस की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ, जिसमें 175 प्रार्थना पत्र फरियादों द्वारा दिए गए थे। इसमें से अधिकतर मामले राजस्व, बिजली विभाग, राशन कार्ड और पुलिस से संबंधित आए। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में चेतावनी देते हुए कहा कि प्रत्येक मामले का निस्तारण स्थल पर ही हो। मौके का फोटो संबंधित अधिकारियों को निस्तारण देने और भेजने का समाधान बताया। आपको बता दें, हलिया निवासी रंगनाथ मुकदमे में विवेच पर भेदभाव करने का आरोप लगा। इसके बारे में पुलिस क्षेत्र अधिकारी मंजरी राम मामले की क्यों सुनवाई करते हुए थाना अध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिया। सिंचाई संबंधित समस्या उठाते हुए गांव निवासी जय प्रकाश ने विभाग पर आरोप लगाया कि बाढ़ सागर का पानी प्रयागराज भेज दिया जा रहा है। यहाँ सिरसा मेजा बंधा से जुड़े किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार डगमगपुर निवासी अधिवक्ता जय प्रकाश द्विवेदी ने तालाब के भीटे पर बबूल की लकड़ी कटने का आरोप लगाया। वहीं उपरोध अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष अनिल शुक्ला, अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी के साथ मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर ग्राम न्यायालय का शुभारंभ किए जाने की मांग किया। अपना दल के पूर्व अध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि रमाकांत पटेल, बरडीहा गांव निवासी लालमणि पांडे के प्रार्थना पत्र पर मानसून से हो रहे नुकसान के समाधान पर मुद्दा उठा, जिसे मुख्य विकास अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए पीडी एवं एडीओ पंचायत को निर्देश दिया। जिलाधिकारी के अनुपस्थिति में मुख्य विकास अधिकारी ने समाधान दिवस के पर अध्यक्षता की। दिवस के बाद जिले के स्तरीय अधिकारियों को चेतावनी दिया गया, प्रत्येक मामले का निस्तारण स्थल पर होगा, आपस में नहीं। समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी बल सरोज, तहसीलदार आशीष पांडे, नायब तहसीलदार मधु जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएल वर्मा, पुलिस क्षेत्र अधिकारी मंजरी राव, खंड विकास अधिकारी हरिओम गुप्ता, अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह समेत जिले एवं तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं पीसीएन भारत से संवाददाता प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, देखते रहे पीसीएन भारत न्यूज। क्या रहा सर आज लालगंज तहसील दिवस में? 175 एप्लीकेशन फॉर्म्स मिले थे, उसमें ज़्यादातर रेवेन्यू से रिलेटेड है, और ऐसा है हैंडपम्प रिबोर, विद्युत विभाग, सप्लाई, राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें थे। उसमें 13 शिकायतों को हमने मौके पर निस्तारण कर दिया। उसके लिए अभी ऐसे मौके पर जो संबंधित वीडियो है उन्हीं को निर्देशित कर दिया। साथ में इधर CVO भी मौजूद थे। एक जगह पर हमको जहां शिकायत मिले थे उधर VO और शिकायतकर्ता को साथ में जाने के लिए, तत्काल जाने के लिए मौके पर निर्देश दिया है। नज़दीक वाले जो निकटतम वाले गौशाला है उधर गो को प्रवेश करवा देंगे, और ऐसा है अगर ज़रूरत पड़े तो नया गौशाला भी निर्माण करवा देंगे। मैम, रेवेन्यू को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है और उसके चक्कर में कई बार जाए भी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग करने की आवश्यकता है इसमें? ऐसा है, हम लगातार इसमें मॉनिटरिंग होना चाहिए वीकली। इसमें वैसे भी SDM के तरफ से इसका वीकली रिव्यू होते हैं। हम अगर ऐसा है ये वाले, अगर हमने इसमें ये सोल्यूशन आज के दिन में ये सोल्यूशन कर दिया, अगर ऐसा है नीचे वाले कर्मचारी नहीं काम कर रहे तो उनके सीनियर को भेजकर इस पर हम निस्तारण करवा देंगे। राइट, नमस्कार सर।